देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरा सोचिए, देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है। कि अगर कोविड एक साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए, तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई, और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी, आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। और आज भी किसानों को जो माननीय, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस पर चलता रहता है, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ABP News, आपको रखे आगे।